डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय। आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ एयर इंडिया, मैं तालिब शाह, आई सब डिवीज़न कोर्ट रंका, पंचायत दराज है, वार्ड नंबर 3 और 4। यहाँ एक ट्रांसफार्मर काफ़ी टाइम हो गया वो डैमेज हुआ हुआ है, लेकिन लोगों ने लाया ये डंडू के ऊपर बांध के, विजुअल में आप देख सकते हो। तो PDD डिपार्टमेंट है, ये लोग अगर कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो लोग आप बिजली इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ के कुछ मकामी लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आया क्या इशू है। सर, सबसे पहले न्यूज़ एयर इंडिया में स्वागत है। न्यूज़ एयर इंडिया का स्वागत करता हूँ मैं, ज़ोर से बोलो। तो आप मेरी बात ध्यान से सुने कि आज हो गए 1 महीना इसको डैमेज हुए हुए, तो उसके बाद हमने जब ये लाया है उधर से, तो आज 2 दिन हो गए, लाइन मैन को हमने बताया है, जेई साहब को फ़ोन किया है, उसने 2 बार फ़ोन ही नहीं उठाया, 1 बार उठाया तो बोलता है इनकी अपनी तुम्हारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके बाद हमने AW का नंबर लिया, उसने किस बारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने खुद लाया भी है और लगाना भी है सब कुछ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो बिजली देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उसको कॉल की अपने लाइन मैन को, तो वो भी बोल रहे हैं कि हम आएंगे, तो इस टाइम तक अभी कोई नहीं आया, आई हमें 2 दिन हो गए लाए हुए, तो आप उन देख लो, आपके सामने है सब कुछ, तो हम इसके बाद क्या कहें। शुक्रिया। आप क्या मुद्दा रखना चाहते हो? काफ़ी टाइम से आपको लाइट की जो समस्या आई है आ रही है। हमारा भी यही मुद्दा है जी, हमारा ये मुद्दा है कि गालिया का 2 महीने हो गए इसने सड़े, अपना रमजान में सड़े थे, फिर एक लेकर अपने बुन पचाए दुओ आन के दी, तो उन्हें तो दुओ हमने कल आने बंदा भी मारे गया था, रूढ़िया भी, फिर सवेरे हमने फोन शून की हो गया पिछले लैंड मैन ना, एक लोग कह भाई मेरी PDD में नहीं पैतो, दुओ लोग कह जी मेरा लक ना दार था, बुखार चढ़े वो नहीं आ सकते, फिर कियो जई ना फोन, वो लोग कह यहाँ कल जी हमने जब तो तुम बाड़ा करें बिजली देखा करें तो तुम लियाओ उसना बुन, हमने क्यों जनाब खोल के दियो तो हम बुन सट्टा ना, हम सट सके तो कोड़ा 2 लियावगा, फिर सट्टागा कोड़ा वाला रुपया देंगा, वाह भी नहीं उनने मनी जनाब। उसके बाद हमने क्यों AW का नंबर दियो, वो लोग कह जी हमने कहते क्या करें AW नंबर, वो तुम लैंड मैन ने फोन करो, लैंड मैन ने फोन करें मुझे सोचा आप हो हम किए जाना के बना। अच्छा एक गल दस तू मैं ना, कि जी झुंडा पर बद गया तो उसने टंगी भी है तार दा, इलीगल कनेक्शन है किया वा, बिल शिल नहीं आता इन्हें को किनों किनों पैसों ले जाए, वो लैंड मैन ने पता वा जी जिन्हें खंडा वाली तार लाई भी है किना किना रुपया ले जाए, हम तो बिल दिया करो हमारा को बिल, इस तरह कितना कनेक्शन है जरा इसे तरह इलीगल चला करे झुंडा पर बद गया, वो वे लाख है जे आवे मौके देखे AW आवे मौके तो देखे पता लग जाए उन्हें किना किना। मोबाइल कितना दूर ये जाकर चार्ज कर गए लिया मैं, फिर बच्चा ना कम से कम 3-4 किलोमीटर बुना जाना पड़ा चार्ज कर गए मुड़ के आन के, वो चार्ज रहता तो ही नहीं मोबाइल, ये बड़ा मोबाइल में इनमें बैटरी काट खड़ा है। दूसरा लिया तो फिर बिजली देखो तो फिर हम आगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तालिब हसैन है, मैं पंचायत दराज से रहने वाला हूँ, और मेरा ये है सबसे पहला पॉइंट ये है बोलने का कि कल जब हम 2 दिन पहले हमने ट्रांसफार्मर लाया है और बहुत रिक्शी रास्ते से हमने लाया है, और जब हमने यहाँ पहुँचाया और उस वक़्त हमने यहाँ से फ़ोन किया, इधर देख रहे हैं ये हमारे आदमी कुछ वापस हो चुके हैं सुबह के यहाँ बैठे हुए हैं, और हमको इस टाइम तक अभी तक हमारा कोई लाइन माइन नहीं है, कोई डिपार्टमेंट का आदमी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल हमारी बनती है कि हमने यहाँ लाना था, अब वो उनको खोल के ट्रांसफार्म को देंगे तो हम रोड में पहुँचाएँगे, वरना ये लोग ये बोलते हैं और हमारे जो लाइन माइन साहब हैं ये बात बोलते हैं कि खुद ही ट्रांसफार्म को आप उठा के ले जाओ, खुद ही लाइन मैन बन जाओ, तो अगर हम खुद लाइन मैन हम खुद चलाएंगे, बल्कि उनको पैसा गवर्नमेंट किस लिए दे रही है,
अगर दे रही है तो इंसानी तरीके से हमारी इस लाइन को तो कम से कम हमारे बच्चे, मैं खुद भी पढ़ता हूँ ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ता हूँ, किससे पढ़ूंगा हम, गवर्नमेंट को किसकी माँ को रोएंगे हम, ये बताओ, हम लाइन मैन की माँ को रोएंगे, अपनी जान को रोएंगे, क्या क्या करेंगे, हमारी तो ये इतनी बहुत हालत ख़राब हो चुकी है, कल खुदा ना खास्ता हमारे 4-5 लोग सिरों जान से मर जाते तो हमने क्या करना था इनका ट्रांसफार्म, अगर लाइन मैन उधर होता हमको इसका तेल निकाल के देता, हम कम आदमी थे, हमारे गांव में कोई रोड नहीं है, कोई बेनिफिट की बात नहीं है, तो हम किसके आगे अर्ज करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जो लीडर लोग हैं जिनको आप वोट देते हैं असेंबली में भेजते हैं तो उनको नहीं कॉल करते कि इतनी परेशानी आ रही है? हमने बहुत कॉल की है, हमारी आवाम ने भी बहुत कुछ किया, मीडिया वालों ने भी बहुत कुछ किया, मगर हमारे डिपार्टमेंट में है ही कुछ नहीं है, ये पीडीपी वर्कर जो भी है ना कहाँ के ये रहने वाले, मुझे ये अफसोस आता है कि आज हम बोलेंगे नहीं तो हमारा कुछ रहने वाला नहीं है, क्योंकि हमें हर वक्त की परेशानी है, कभी कुछ है, कभी अगर इंसान एक बीमार हो जाता है उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए 3-4 किलोमीटर पे उठा के ले जाना पड़ता है, जब हम उठा के ले जाएंगे उसका दम खत्म हो जाएगा, हमें किस लिए उसको अस्पताल ले जाना, तो हमारी ये कमजोरी हमारे पंचों की भी है, सरपंचों की भी है, सब आवाम की नहीं है, मगर हमारे जो लीडर हैं ये भूखे हैं, ये प्यासे हैं, इनको भूख प्यास ये होती है कि जब वोट होंगे ये गरुण गरुण तक फिरेंगे पहुंचेंगे, बल्कि हमारी कोई भी मुश्किल को आसान करने वाला कोई नहीं, हमारी लाइनों को देखें, जो हम पानी के लिए तड़प तड़प के मर रहे हैं, तो हमें ये बोलते हैं आप खुद उठाओ पाइप और खुद लेके जाओ, हम कहां से पाइप तो है ही नहीं है, फिर हमारे एक लाइट है, रमज़ान शरीफ के महीने में कोई तलावत करता है, कोई कुछ भी करता है, अगर अच्छी तरह रमज़ान के महीने में सहरी खाएगा, लाइट नहीं तो कहाँ से खाएगा यार, आप बताओ, स्लाइट है, स्लाइट भी चार्जर से होंगे। शुक्रिया। एक और आदमी है हमारे साथ, क्या नाम है? क्या बताएं, बताने की बात यही है, ये तो आप देख, आपके सामने है सब कुछ, अगर यहाँ के जब भी यहाँ से कोई नेता जाता है तब यही आवाज होती है उसकी कि हमको कामयाब करो, हमारी कामयाबी और आप तमाम गरीब लोगों की कामयाबी है, आपको बिजली और पानी दिया जाएगा। सर यहाँ की हालत देखें, अगर पानी की बात की जाए तो जहाँ कॉलर की जरूरत है वहाँ प्लास्टिक की बोतल लगाकर कॉलर लगाई गई है, तो लाइट की यह हालत है, तब बोला जाता है कि हमारी कामयाबी और आप गरीब लोगों की कामयाबी, हमारी कामयाबी नहीं, ये बर्बादी है, आप देख लो, तो शुक्रिया। आप भी बात करेंगे इसी विषय पे। हेलो, सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर न्यू सर इंडिया से तालिब शाह बोल रहा हूँ। जी सर, दराज पंचायत है सब डिवीजन कोटरा का दराज है जी। सर एक ट्रांसफार्मर है, तकरीबन एक महीना हो गया डैमेज हुआ, वो तो लाइट नहीं है, लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। ये तो ये से डैमेज है जी सर, अभी लोगों ने लाया था सर, तो यही है जो उसको फ़ोन किया लोगों ने, वो बोल रहे हैं कि जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लगाना और ले जाना भी। नहीं। जी सर तो लाए तो आपको कौन सी कैपेसिटी का जी? कैपेसिटी 63 का सर, 63 के वी का। ये दराज पंचायत है, वार्ड नंबर 3-4 जबड़ी चकड़ाल। ठीक है सर, जेई का क्या नाम है सर? जेई का मालूम नहीं है, नंबर देने पर नंबर AW गुलशन कुमार है सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, शुक्रिया सर बात करने का। दूसरी बात भी कर लेंगे, हमारी जो बात है इसी विषय पे एक्शन साहब से हुई है, एक्शन साहब ने बोला है कि कल हम तुरंत इसको चढ़ा देंगे और लाइट घर घर पहुंचा देंगे। आप देखते रहे न्यूज़ एयर इंडिया में तालिब शाह।